हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे। गाइस, तो गाइस मैं यहाँ पे 21 दिन का ऑप्शंस बाइंग चैलेंज यहाँ पे गाइस चालू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको डेली गाइस ऑप्शंस बाइंग करके दिखाऊंगा लगातार 21 दिन तक। मात्र 5,000 कैपिटल से मैं गाइस शुरुआत कर रहा हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का भी इस वीडियो में सारा चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, करने का रीजन यहाँ पे ये है कि अगर जब आप कोई काम प्रोसेस से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो आप वहां पे सक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली करते हैं तो उतना दिमाग में नहीं रहता है कि करना है, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, वहां पे 5,000 रुपये हम लोग डिपोजिट किए हैं अपने अकाउंट में। और मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे आपने कैपिटल को यहाँ पे प्रोटेक्शन करना, 5,000 मेरे को जाना नहीं चाहिए। अगर 5,000 चले जाता है तो, अगर मतलब कभी कभी लॉसेस हो जाएगा तो मैं फिर से उसमें कैपिटल भी डाल सकता हूँ, मतलब 5,000 के आसपास मेंटेन रखूंगा। अगर कैपिटल बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, फिर उसके ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, तो लेकिन घटता है तो वो देखना पड़ेगा। और मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। अभी ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पहले पैसा आसानी से बन जा रहा था, बट अभी मैं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे 21 डेज का ऑप्शन बाइंग चैलेंज यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज डे वन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो आज हमने क्या किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे साथ अभी फिलहाल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भी ऑप्शंस बाइंग नहीं किया हूँ। सो ऑप्शंस बाइंग में लॉस ही होता है ज्यादातर, लेकिन अभी आजकल ऑप्शन सेलिंग पे भी लॉस होता है। तो हमने आज क्या किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आज यहाँ पे 8 अगस्त था, है, और आज यहाँ पे गाइस निफ्टी का एक्सपायरी है था। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस ट्रेड किया है। यहाँ पे खोला, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा था। यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ज्यादा गाइस डिफिकल्ट था। तो हमारा क्या साइकोलॉजी था एंड हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हम लोग क्या किए। ठीक है, हम लोग क्या करना चाह रहे थे, क्या किए, सब कुछ मैं बताऊंगा। और एक चीज और था कि मैं इसको इस प्रकार से मैं रिकॉर्ड करूंगा इस पूरे सीरीज को, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा खुद का बहुत सारा मिस्टेक्स यहाँ पे, अभी मैं बहुत सारा मिस्टेक किया हूँ, चूंकि मैं आपको बताऊंगा, इस मिस्टेक से आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, और मेरे को भी खुद का रहेगा, भाई हमने एक मिस्टेक किया था। सो मैं उसको बाद में जाके देख सकता हूँ, ये मेरा एक जर्नल की तरह यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, हमने जो एनालाइज किया था मार्केट को, ठीक है, क्या एनालाइज किया था हमने, यहाँ पे एनालाइज किया था भाई यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, मार्केट यहाँ पे खोला था, यहाँ पे गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लाइन यहाँ पे वगैरह ड्रॉ कर रखा था, ऊपर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था प्रीवियस डे यहाँ पे। तो कब हमने यहाँ पे मार्केट में एक व्यू बनाया, सबसे पहले मार्केट में व्यू बनाया जाता है, एक बुलिस या फिर बेरिश। ठीक है, तो व्यू मेरे को यहाँ पे बना, कहाँ पे बना मैं बताता हूँ आपको। जब ये कैंडल यहाँ पे आ गया था, सॉरी ये कैंडल पे बना था मेरा व्यू, इस कैंडल्स पे जब ये डब्ल्यू बन गया, मेरा व्यू बन गया था मार्केट ऊपर जाएगा, मेरे को कॉल बाय करना चाहिए। मेरा व्यू ऐसा बना, क्यों बना उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, एक पहला नंबर तो नीचे एक सपोर्ट था, और यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट था यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का फिलहाल ट्रायल वर्जन यहाँ पे एक्टिवेट किया हूँ, प्रो वर्जन, ठीक है, प्रीमियम वाला, जहाँ पे एक चार्ट मिल जाता है आपको, अब वॉल्यूम कैंडल्स। ठीक है, सो इसको हमने यहाँ पे देखा, इस कैंडल्स पे काफी अच्छे वॉल्यूम था, हैमर भी बना हुआ था और यहाँ पे डब्ल्यू भी बना हुआ था। सो मेरे को यहाँ पे लगा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा मेरे को लगा था। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस स्ट्रेटजी अब फिलहाल बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ उसको, ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एसएलस हिट करवाने के लिए तो क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे मैं बगल में एक और कैंडल्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे एटीएम का मैं क्या करता हूँ, एटीएम का कॉल और पुट ऐड करता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे हमने एटीएम का कॉल और पुट यहाँ पे ऐड कर लिया था, मैं आपको कॉल्स लगा के दिखाता हूँ। तो कॉल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कॉल्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को पता चला था प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक एसकेल्प उठाया था, यहाँ पे 25 क्वांटिटी बाई किया था 85 पे, और 96 पे फटाक से बेच दिए थे। हालांकि 100 पे मेरे को बेचना था, थोड़ा सा जल्दी में बेचे क्योंकि हम लोग होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शन बाइंग है, हालांकि ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं था। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट हमारा था वो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 85, तो लगभग लगभग सॉरी सॉरी 25 क्वांटिटी होता है आजकल निफ्टी पे, निफ्टी पे लॉट साइज घटा दिया गया है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2125 रुपये के समथिंग था, और वहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉफिट बना, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प उठाया।
उसके बाद हमने एक यहाँ पे ट्रेड लिया, कहीं ना कहीं इसका जब लो टूटता, क्योंकि हमने इसका एसएल उड़ा रहा था, हमने सोचा भाई ठीक है ऊपर जाएगा, बट मार्केट कभी भी कहीं भी जाता है तो उसका स्टॉप लॉस उड़ता है। तो हमने इसका लो देखा 64 रुपये का, हमने डिसाइड किया, एनालाइज किया कि भाई इसको मैं 54 पे बाय करने वाला था, लेकिन सोचा अराउंड लेवल तक प्राइस आ सकता है, सो हमने 50 पे बाय ऑर्डर लगाया। बाय हुआ, जैसे बाय हुआ मेरे को डर लगने लगा कि और नीचे ना जाए, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा था, वॉल्यूम भी था, सो हमने फटाक से वहीं पे 2 रुपये लेके फटाक से यहाँ पे निकल गया। उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बना तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद फिर से गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया था 50 से, फिर से मेरे को डर लगने लगा, हालांकि यहाँ पे डर नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं आज जो था वो फटाक से निकल गया। सो दिस यहाँ नहीं निकलना था, सो यहाँ पे मेरा डबल का टारगेट था 100 जाने का, 50 बाय के 100 पे, और 100 यहाँ पे दिखा रहा है 104, बट अब स्टॉक पे टिक बाय टिक डेटा दिखाता है। सो यहाँ पे 100 107 रुपये 80 पैसा गया था प्राइस, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि मैं टिक बाय टिक यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जब टिक बाय टिक देंगे यहाँ पे, टिक बाय टिक पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। तो आप स्टॉक पे बिल्कुल फ्री में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाइए खोलिए अकाउंट, ठीक है, तो काफी बेस्ट है वो चीज। मैंने कई बार दिखा रखा है कब स्टॉक का टिक बाय टिक अलग है, और एंजल वन भी टिक बाय टिक लेके देता है। सो यहाँ पे वो चीज मिस्टेक हुआ। उसके बाद इसको मैं फिर से लो पे बाय करना चाह रहा था गाइस, क्योंकि जब लो टूटेगा तो एक बार गया है स्पाइक लगाया तो वापस जाएगा, तो वापस, बट यहाँ पे हमने नहीं खरीद पाया। उसके बाद कोई हमने ट्रेडिंग आई थिंक नहीं लिया। सो अगर मैं इधर बाय करता तो उसके बाद भी मोमेंटम काफी ज्यादा हुआ था, ठीक है। उसके बाद भर दिन अभी बहुत सारा मोमेंटम हुआ, बट मैं थोड़ा आज ट्रेड नहीं किया। सो मैं कल करूंगा, वैसे कल सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी कोई खास ऑप्शंस बाइंग में नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है गाइस, सो मैंने क्या ट्रेड किया, कहाँ क्या किया, ठीक है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो LIS ब्लू पे यहाँ पे हमने ट्रेड किया था, कुछ छोटा छोटा ट्रेड लिया था, और हमारा जो कैपिटल हमने यहाँ पे डाल रखा था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5500 के आसपास डाल रखा था, ठीक है। तो आज से 5500 माना कि हो गया, एंड अभी 500 रुपये के समथिंग प्रॉफिट हुआ ब्रोकरेज एंड ऑल काट के। सो ऑर्डर बुक यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर बुक है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेली अपडेट करूंगा आपको मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। आज का मिस्टेक यहाँ पे ये है कि आज हमने ये गलती किया, जो हमारा लॉजिक था 50 पे बाय करने का, क्योंकि इसका मैं एसएल हो रहा था, 50 पे आया भाव और 50 पे हमने खरीदा भी, बट उसको टारगेट के लिए होल्ड नहीं किया 100 का टारगेट के लिए, और मेरा टारगेट हिट हो जाता, ठीक है। जब वापस मेरे को लॉजिक है वो ट्रेड होने के बाद, अगेन आप उसको लो पे बाय कर सकते हो, उसको लो पे भी हमने नहीं बाय किया। सो फिर से उसका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, 100 150 तक चला गया, मेरा टारगेट इसमें ज्यादा नहीं था। अगर 140 पे बाय कर रहा हूँ, 40 45 पे, तो यहाँ पे 90 रुपये 80 रुपये का टारगेट हुआ करता था, बट हमने ट्रेड गाइस नहीं लिया। सो आज का दिन यहाँ पे इस प्रकार से खत्म हो जाता है, और बाकी बहुत सारा ट्रेड्स था, ऐसी बात नहीं है, जो कि उसके बाद मार्केट वाला कि ऊपर गया, ऊपर से मार्केट गिरा। मार्केट गिरने वाला तो थोड़ा इजी था मार्केट, अगर थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको इजी फील होगा। इजी फील क्यों होगा कि ऊपर में कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी को देखेंगे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और एम पैटर्न भी बना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रेड वगैरह हो सकता था, इस कैंडल्स पे ट्रेड ले सकते थे, इस कैंडल पे पुट कहाँ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ले सकते थे। इसका मैं दिखाता हूँ ऑप्शंस में भी, ऑप्शंस में भी यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छा सिस्टम बना होगा, आपको पुट में देखना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल ATM दिखा रहा हूँ, उस समय मतलब जो भी हो यहाँ पे बाय होता इस कैंडल्स के लो पे, तो 55 पे था लो इसका और यहाँ का लो था 44 पे, 10 रुपये का एसएल बनता, मार्केट वहाँ बाय होता, यहाँ पे डब्ल्यू कहीं ना कहीं बना हुआ था। आप यहाँ पे लाइन चार्ट में देखेंगे छोटा सा उतना बेटर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे डब्ल्यू गाइस बना हुआ था, ठीक है। एंड जब लो पे आप खरीद रहे हो तो, और एक चीज और था कि यहाँ पे देखो फर्स्ट 15 मिनट का यहाँ पे लो भी ब्रेक हो गया था, क्योंकि 70 के नीचे बाय करना था, और तो ये भी हमने ट्रेड गाइस नहीं लिया था, तो ठीक है। तो ऐसा सीन था यहाँ पे, एंड इसका टारगेट इधर हाई पे देखो। अब जो सेलर इसको सेल किया, इसका सेलर का भी ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे मार्केट में सेलिंग करके पैसा बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इधर भी ऐसा गया इधर भी ऐसा गया, तो आजकल के मार्केट में सेलिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। अब 10 20 पे जब प्रीमियम बेचते हो तो वो चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चलता है, 100 चला जाता है। तो हमने सेलिंग अभी फिलहाल मैं बंद कर दिया हूँ गाइस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ 21 डे तक लगातार ऑप्शंस बाइंग करूंगा, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि मतलब लॉसेस कम से कम करने का, क्योंकि मैं ऑप्शंस बाइंग गाइस करता नहीं हूँ, सो मेरे को करने के लिए आता भी नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और क्या मिस्टेक हो रहा है उस वीडियो के जरिए मैं आप तक बता पा रहा हूँ ऑप्शंस बाइंग कितना डिफिकल्ट हो सकता है, और यहाँ पे बिल्कुल पैसा बनता है कि नहीं बनता है वो चीज़ आपको पता चलेगा। मेरे को नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा या फिर 0 हो जाएगा, बट मैं ट्राई करने वाला हूँ। 21 डे तक लगातार ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बट तो भी ट्राई करेंगे ट्रेड करने का, ठीक है।
सो डेली मैं अपडेट करूंगा गाइस एंड ठीक है ऐसा ही है। आज का बहुत सारा मिस्टेक हुआ है कि ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड होल्ड करेंगे तभी आपको पैसा बनेगा, अन्यथा मेरे को दोनों ट्रेड पे यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता। फर्स्ट सेकंड में जो ट्रेड लिया था, मतलब फर्स्ट में ट्रेड जो लिया था उसमें मेरे को कम से कम 1000-1500 प्रॉफिट बनता, सेकंड वाले ट्रेड मेरे को 5000 का प्रॉफिट बनता, बट आई गेस मिस्टेक किया हमने। सो इसके अलावा मैं मार्केट एनालिसिस का भी ट्राई करूंगा वीडियो डालने का, सो उसे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं और मैं कौन सा स्ट्रेटजी यूज करता हूँ फिलहाल मैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा, वैसे तो पैसा बनेगा तभी ना पता चलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इस वीडियो में इतना ही, ओके एंड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके एंड बाय गाइस। बाकी एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चार्ट देखना चाहते हैं, चार्ट जो आप देखते हैं ऑप्शंस का, आप स्टॉक में देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खुला लीजिए। और ट्रेड करते हैं तो आप लाइव स्कूल में ट्रेड कर सकते हैं, अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खुला सकते हैं। मैं फिलहाल ऐसा ही करता हूँ, सो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा जिस जिस मेरा गाइस वीडियो देखेंगे। पहला कि यहीं पे मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टिक बाय टिक डेटा मिलता है, जिसे कि हमने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टारगेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ट्रेड व्यू में, बट वो हिट हो गया था। उसके बाद एल एस ब्लू पे ब्रोकरेज कम लगता है, प्लस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बाइंग एवरेज कितना है, सेलिंग एवरेज कितना है, सब कुछ थोड़ा सा देखने में इजी रहता है, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न होना सब कुछ यहाँ पे सेव रहता है, तो मेरे को काफी अच्छा होता है यहाँ पे यूज करना, मेरे को अच्छा लगता है, सो मैं यूज करता हूँ। बैंक के आपको जहाँ करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जैसे करना है जैसे कर सकते हो। दिस इज माई व्यू, सो आपने बताया, मिलता है अगली वीडियो में, ओके एंड बाय गाइस।